दोस्तों नमस्कार। चलिए एक वीडियो देखते हैं, शायद एक इन्फॉर्मेशन आपको कुछ मिले। हाँ दोस्तों, ये हमने 4 नीडल से 8 नीडल में कन्वर्ट किया है और काफ़ी बेहतरीन मशीन है, स्मूथली चलती है। मैं बहुत नज़दीक से लिया हूँ, देखिए ओरिजिनल साउंड भी आता है और फिनिशिंग तो टॉप लेवल में। ब्रूस जैक 1 फैमिली, ये सिलेंडर बेड, ये सुरभा पैटर्न की मशीन है, सुरभा की आती है उसी टाइप में, लेकिन ये काफ़ी मजबूत है। ये लोअर में लगाया जा रहा है, क्या बोलती सर? एक नंबर बहुत जबरदस्त, सारी दिक्कतें परेशानी दूर। और तुम जब खींचते हो तो पहले पावड़ी उठाया करो, तुम्हारा हाथ पहले जब खिंचाता है। अच्छा, उसे कई बार कपड़े फटेंगे और धागे भी टूटेंगे, यानी पावड़ी तुम्हारा वो उठना चाहिए। हाँ। और फिर पीछे से खींचना चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ा टाइमिंग का देखो। ये देखो, ये लगाया, ये भी ऑटोमेटिक कर दूंगा उठाने का, बोलो तो ऑटोमेटिक पावड़ी उठेंगे। हाँ, इसमें कटर भी लगा सकते फ्यूचर में, धागे भी खुद ही कट जाएंगे। एक बार भी अगर टाके, मैं सच बताऊं, मैंने चेंज किया, दोबारा ट्रायल भी नहीं किया था, और ना ये टाके छोड़ी है, ना धागा तोड़ी है, ना कुछ नहीं। थोड़ा पावड़ी उठाना ना, उठाया ना पहले, वही उठाया नहीं, लेकिन तुम यहाँ फंसा रहता है, थोड़ा अच्छा उठाना, थोड़ा ज़्यादा लगे, क्योंकि क्या है ऐसा लग निकलता ही नहीं है। ठीक है ओके। ये है, हमने अभी इसको 8 मीटर में किया है, अभी हम इसको 400 में चला रहे हैं, बीच में एक खोल दिया है, आजू बाजू में सुई है, 1/4 का गेज है। अभी है ये राउंड सिलेंडर, अब इसमें हम फोल्ड चाहे तो फोल्डर भी लगा सकते हैं, और भाई साहब इसमें एक्सपर्ट हैं। अभी 3 पाइपिंग है, यहाँ जॉइंट भी है, उसके बाद में भी देखना इसको, कहीं रुकेंगी नहीं मशीन, है यानी वहाँ पर रुक फ्लो नहीं चलाएंगे, स्पीड से चलता है, जॉइंट हो कुछ भी हो, मोटर मक्खन जैसे मशीन चल रही है। जैसे पावड़ी उठाने है ना, उसके बाद ऐसे खींच लिया करो, ऐसे पीछे की तरफ भी, उससे क्या रहेगा मालूम, धागा लूज हो जाता है, आसानी से बाहर आता है, तो सुई से कई बार धागा टूटेगा नहीं, ठीक है। धागा यानी पावड़ी उठा के ही उठाना चाहिए। धीरे धीरे ये हमने बना दिया, ये पूरा 8 फीट का जो लगा है गेज से। दोस्तों ये हमने बना दिया है मशीन को 4 नीडल से 8 नीडल में, और मशीन की सेटिंग बैलेंसिंग बहुत बेहतरीन है, थोड़ा सा 4 नीडल का निकला था, जुगाड़ करना पड़ा, क्योंकि कुछ इस पर पार्ट क्या होते हैं नहीं मिल पाते थे, तो बाकी बेहतरीन बैलेंसिंग पार्ट में हम 8 स्वी का लगा रहे हैं, 1/4 वही है सेम, पहले 4 नीडल में, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा अगर किसी को रिक्वायरमेंट है, और ख़ास करके नागपुर में, नागपुर के आसपास, हम लोग बाहर नहीं दे पाते, क्योंकि हमारी बाहर सर तो इस वजह से आप सर्विस आपको मिल जाएगी, हम लोग जहाँ सप्लाई करते हैं वहीं सर्विस दे पाते हैं। तो चलिए देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में क्या है।